जब अहंकार आ गया अहंकार मैंने मैंने किया है तो कुछ ना करके भी बहुत कुछ हो जाएगा और इसके विपरीत तू सब करे सब कर्म तुमसे हो रहे हैं लेकिन तू अकर्ता रहे तो सब होके भी कुछ नहीं हुआ ना किच किया ना कर सके ना किच किया शरीर जो किच किया सो हर किया कहत कबीर 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 कहते मैंने आज तक कुछ नहीं किया जो कुछ कराया उसने कराया जो कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ जो कुछ बोला वो उसने बोल बुलवाया तो बोला जहाँ बैठाया वहाँ बैठा जब उठाया उठा जब सुलाया सो गया मैं कुछ किया ही नहीं जब देह मेरी नहीं जब शरीर ही मेरा नहीं जब ये शरीर का यंत्र को मैंने रचा नहीं जब इस शरीर के यंत्र के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं हाउ कैन आई से दैट आई एम अ डूअर ऑफ वॉट मैं मेरे को शरीर से हटाइए फिर जो कर्म होंगे वह कर्म नहीं कर्म होगा और कृष्ण कहते मेरा जीवन कर्मों का लेखा जोखा नहीं है अकर्म का है एंड इन अ वे जितना काम कृष्ण ने किया है उतना काम किसने किया होगा निठल्ले नहीं बैठे सब त्याग के किसी कोने में नहीं बैठे और तो और भगवान बन के अपनी भगवत्ता में खाली दर्शन नहीं दे रहे दुनिया को काम कर रहे हैं सूरदास का एक पद है जिसमें वो कहते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं अपनी माया यशोदा को तू मेरे से कितना काम कराती सुबह सुबह उठा देती है और कहती जा गाय बछड़ों को चरा के ला और मैं दिन भर जंगल में गाय भैंसों को चराता हूँ नहलाता हूँ दुलाता हूँ और जब वापिस आता हूँ तो मुझे तो कहती तू मक्खन की चोरी करता है कितना जुल्म करेगी कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि जो गांव वाले कहते वो सच है मैं तो तेरा बेटा ही नहीं हूं इसलिए तू मेरे पे ऐसा अन्याय करती मैं काला तू गोरी तेरा मेरा कोई मेल ही नहीं कौन सी माँ ये बचन सुन के चुप रह जाएगी कि उसका प्यारा बच्चा उसको कहे कि मैं तो तेरा बच्चा ही नहीं तूने मेरे को कहीं से लाई है गोद लिया है मैं तेरा बच्चा नहीं हूं उस दिन रंगे हाथों चोरी करते हुए माखन की सखियों ने पकड़ा था और आके यशोदा से कहा कि तेरा बेटा चोर है बहुत दिनों से सुन रही थी और इस चोरी को तो खुद यशोदा ने दरवाजे के पीछे छिप के देखा था इसकी सखियों ने उसे जबरदस्ती रोक रखा उसको बोलने नहीं दिया उसका मुंह भी बांध दिया था कृष्ण चोरी किए माखन खाए अपने दोस्तों को खिलाए अपनी वानर सेना को खिलाए और सब मटियां मेट करके जब निकल लिए तो यशोदा गुस्से में लाल पीली आए तो सही आजिए शाम को आए तो डंडा लेके पड़ गई पीछे और कृष्ण तब कहते तू मेरी माँ ही नहीं इसलिए मार रही है मेरे को कितना काम कराती मेरे से बोर वह उठता हूँ सांझ बहे घर आता हूँ एक कंबल दे देती और एक छड़ी कि जा काम कर और घर आता हूँ तो चिल्लाती है मुझे कृष्ण बहुत कार्य किया पर उनके लिए सत्य तो ये है गायों के साथ खेलना जंगल में जाना गायों को चराना यह उनके लिए काम थोड़ा ना था उनकी तो मौज थी उनका आनंद था अक्रूर जी के कहने पर कंस के अन्याय से मुक्ति दिलवाई मथुरावासियों को कंस के पहलवानों से लड़े कंस के भेजे हुए शत्रुओं से आक्रमक योद्धाओं से लड़े अंततः कंस से लड़े और मारा उसको राजगद्दी दूसरों को दे दी बुलाते हैं पांडव मदद करने आओ जब जब बुलाते तब तब चले जाते सहायता करते इस राज्य को ठीक करा उसकी व्यवस्था ठीक करा मथुरा वालों को ठीक कराया जरासंध युद्ध करता है उससे युद्ध करते हैं आवश्यकता पड़ गई तो एक दिन अनाउंस कर दिया कि अब मथुरा में नहीं रहेंगे अब हम जा रहे हैं अब द्वारिका में जाके नगरी बसाएंगे अब मथुरा रहने लायक नहीं रह गया फिर दूर गुजरात में चले गए और द्वारिका में अपना राजपाट बनाया क्या तुम सोच सकते हो कि पांडवों की जो भी सदगति हुई सामाजिक और राजनीतिक वो कृष्ण के बगैर संभव थी क्या बिल्कुल संभव नहीं कर्म देखो तो कितने हैं पर इतने कर्म करके भी कृष्ण कहते मैंने कुछ नहीं किया अगले श्लोक में प्रभु कह रहे हैं यद्यक्षाभ संतुष्टो द्वंदतीतो विमत्सर चक्रत्वापि न निबध्यते अपने आप जो कुछ आप उसमें ही संतुष्ट रहने वाला हर्ष शोक आदि द्वंद्व से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्षा से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता जो कुछ सहज से मिल जाए उसी में संतुष्ट है कामना नहीं आकांक्षा नहीं पर कर्म हो रहे अब उसके नतीजे अच्छे हों बुरे हों उसी में संतुष्ट है हार जाए तो तड़पता नहीं जीत जाए तो अकड़ता नहीं अब जरा अपने आप को देखिए तुमसे एक काम ठीक हो जाए अखड़ जाते हो देखा चार लोगों को बोलता है देखा मैंने किया देखा मैंने किया और एक चीज गलत हो जाए तो शर्मिंदा हो जाते हो और फिर अपने जानकारों को कहते हो देख किसी को बताना मत देख किसी को पता ना चले तू तू मेरा दोस्त है ना तो मेरा भाई है ना देख मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ देख ये किसी को बताना मत अच्छा हो जाए तो डंका बजाते चौक में चला जाए पूरे शहर को बताएगा बीए में फर्स्ट आ जाए अखबार में फोटो निकलाएगा आएगा पीएमटी में फर्स्ट आ जाए फोटो निकलेगी अखबार में पूरी दुनिया को घोषणा और कुछ गलत हो जाए तो जितने न्यूज चैनल्स हैं इनमें जब भी कभी किसी आ, अपराधी को किसी राजनेता को किसी क्रिमिनल को किसी उग्रवादी को जब गिरफ्तार करते हैं आप देखिए सबने अपने चेहरे बांधे होते मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये लोग सब ऐसी चुनिया रुमाल लिए लिए घूमते हैं सब जगह ये नहीं समझ लगती मेरे को क्योंकि जब भी किसी टीवी चैनल में आप देखें कि इसको गिरफ्तार कर लिया किसी प्रोस्टिट्यूट को या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को किसी बिजनेसमैन को किसी को भी उनके मुंह बंधे हुए होते कि पुलिस वाले सप्लाई कर देते कि सौ रुपए में ये वाला कपड़ा और दो सौ में ये वाला कपड़ा और उसको टाइम भी देते हैं कि तू बांध ले क्योंकि बाहर कैमरा खड़ा है कैमरे वाले हैं उतरी फोटो खींच लेंगे और वैसे देखा जाए तो पुलिस ने अरेस्ट किया है और पूरे समाज को क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए कि कौन बंदा है जो रिश्वत खाई अजब बात है ये किसी से पूछना पड़ेगा कि क्रिमिनल्स को टाइम देते हैं कपड़ा सप्लाई करते हैं कि वो कपड़ा साथ में लेके चलते हैं कुछ तो है कुछ गलत हो जाए और गलत होने में तकलीफ नहीं है गलत करते हुए पकड़े जाए ये बड़ी तकलीफ होती आप कुछ गलत करो और पकड़े ना जाओ और भी ज्यादा मजा आता है कोई पकड़ नहीं पाया मैं एक बार न्यूयॉर्क में थी तो एक परिवार जिनके बच्चे घूमने के लिए निकले शाम को लौटे तो वो अपनी माँ से कह रहे थे कि हमने ना टिकट ही नहीं खरीदा सब वे का छलांग मारी डंडे के नीचे से निकल गए यहाँ एक निकला और हम उसके साथ सट गए और एक साथ दो निकल गए पतले पतले तो होते गुजराती पंजाबी तो एक समय में फंस ही जाएगा अकेला ही फंस जाए बोले टिकट है कल ये निकले दो कितना मजा आता है अब क्या डॉलर की टिकट होगी एक डॉलर बचाने के लिए वो अपने आप को कितना गर्वित अनुभव करता है तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और पुलिस वाला सामने था और ठीक तुम उसके सामने से निकल गए और वो तुम्हारी नंबर प्लेट नहीं पढ़ पाया तुम्हें रोक नहीं पाया कितना मजा आता वो निकल गए है ना अजीब दुनिया भर के व्यापारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाने के लिए जुगाड़ ढूंढते रहते और जब तक उनकी आईटी uh, टी जमा ना हो जाए या जब तक उनका हिसाब किताब अकाउंट्स क्लियर नहीं हो जाए तब तक जान सुली पर लटकी रहती कि कहीं ऑफिसर ने ढूंढ न लिया कि भी ये क्या है और अगर एक दफे वो निकल गई बड़ा खुश होता है पता ही नहीं चला बड़े पैसे बच गए गलत करने में घबराहट नहीं है गलत करते हुए पकड़े जाए तो घबराहट अच्छा कर ले उछलता है परंतु भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो उछलता नहीं कूदता नहीं जो सहजता से मिल जाए उसमें संतुष्ट है और उसके चित्त में हमेशा एक ही चीज रहती है कि जो अस्थिर है वो मिले ना मिले तो क्या जो स्थिर है वो कभी मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता जीवन जीने की कला है ये सब करो सब मने सत्कर्म करो पर कर्म के कर्ता न बनो जब कर्ता नहीं बनोगे तो भोगता नहीं और अकर्ता रहते हुए अपने जीवन को भरपूर जिए अगला श्लोक बहुत प्यारा आ रहा है यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञान अग्निद कर्माण तमाहु पंडितम बुद्ध जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं तुम कोई काम करते हो तो पहले आकांक्षा है प्लान है संकल्प है पर जब ज्ञानी कर्म करता है संकल्प नहीं फल की आकांक्षा नहीं ज्ञानी के कर्म कामना और संकल्प से शून्य होते हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग There is no will to do, there is no result which you are looking for, and yet you will do action. Very difficult. Because it is not possible in this ordinary state of human mind which you have at present that you do the action and yet there is no desire to succeed.

जीवन सहज प्रवाह है और पिछले श्लोकों में कृष्ण कह चुके हैं प्रकृति के गुण स्वभाव से चीजें हो रही हैं तुम कौन हो करने वाले चीजें होनी थी वो होती हैं और तुम मात्र एक दृष्टा होते हो तुम मात्र एक साक्षी होते हो ज्ञानी के कर्म बिना कामना के है ज्ञानी के कर्म बिना संकल्प यश yes, सर्वे समा आरंभ कुछ भी वो आरंभ करे कुछ भी वो काम करे न कामना है न ही संकल्प है न ही फल की आकांक्षा है शब्द है काम संकल्प वर्जित वर्जित होता इट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ऑफ कर्म दैट

मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि गीता सुनने का कोई लाभ तुमको होगा क्या पुण्य होगा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई पुण्य होगा दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू प्ले वेन यू हियर मी एंड वेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज प्ले ऑफ योर इंटेलेक्ट When you see me, it is play of your eyes. When you eat, it is play of your stomach and tongue. When you dance, it is the play of the whole body. It is a play, खेल हो रहा है खेल का इनाम क्या पागल खेल खेल के लिए होता है तुम्हारा जीवन ना आजकल क्रिकेट मैच की तरह हो चुका है क्रिकेट है तो खेल फिर क्या ये खेल की तरह खेला जाता है करोड़ों अरबों रुपया शर्तों पर लग जाता है हार जाए हिंदुस्तान तो गाली गलौज और लड़ाइयां शुरू हो जाती जीत जाए हिंदुस्तान तो पटाखे आतिशबाजी छूटते चौका छक्का मारेगा क्रिकेटर वंगड़ा तुम डालते हो आउट हो गया इंडियन क्रिकेटर कैच आउट जान तुम्हारी निकल जाती और दुनिया भर में एसएमएस और फोन और ईमेल हो रहे होते कितने अफसोस की बात है मैं अभी पिछले दिनों जब भारत एक मैच जीता आई वॉज अवेयर ऑफ दिस न्यूज एंड समहाव मैं जिस जगह बैठी थी खिड़की के बाहर दो व्यक्ति आपस में मिले वो दूर से कहते गिरते भाई बड़ी खुशी हुई बड़ी खुशी हुई पता नहीं कोई नौकरी लग गई कोई बच्चा हो गया वो जी आपको भी बड़ी बधाई फटे चक दिए बाद में पता चला जब उन्होंने क्रिकेटर्स के नाम लेने शुरू किए और जब हार जाए तो क्रिकेटर्स के घर जाके तोड़ाते जीत जाए तो भगवान बना के पूछ देते हार जाए तो बेचारों को मुंह अंधेरे एयरपोर्ट से निकलना पड़ता है कि कोई देख ही ना लेनी तो पिटेंगे वो बहुत जोर से ये खेल है ये खेल नहीं स्पोर्ट शुड बी प्लेड विद द स्पिरिट ऑफ अट सिरली योर लाइफ शुड बी लिव विदिर गेम विदिरिट ऑफ लाइफ विदिरिट ऑफ डिवाइन लीला इट इज जस्ट लीला कुछ नहीं है और दूसरी बार जो बात आई है मैं उसको कहती हूं पहली बार आई मैंने रोक दी अब दूसरी बार फिर आ गई है तो मतलब आनी चाहिए मुझ बाहर निकलनी चाहिए सो निकाल रहे स्वामी बुआ यूं गाते नहीं हैं, पर आ, मौज में आ जाए तो अचानक से शुरू हो जाते कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई भी नहीं कोई भी नहीं कुछ नहीं उन्हें आके किसी ने कहा कि स्वामी बुआ आपको मिलने को आए हैं और स्वामी बुआ अपने 121 वर्ष के जीवन में जॉर्ज बर्नाड शाह हिटलर मुसोलिनी क्वीन इट सुभाष चंद्र बोस नेहरू गांधी शौपेनर सबको मिले जॉर्डन के बादशाह को योग सिखाया ही एवरीवन वन हीज टॉट सो मैनी पर आप उनके पास बैठे अचानक तो से शुरू कुछ नहीं कुछ नहीं कोई नहीं कोई भी नहीं तुम्हारी जिंदगी में कुछ दुखद हो जाए यही गीत गाना कुछ नहीं <laughs> कोई नहीं कोई नहीं कुछ सुखद घटना हो जाए कुछ लाभ कुछ प्रॉफिट हो जाए यही गीत गाओ कुछ नहीं कुछ नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं अनहुआ संसार यह मिथ्या संसार ये स्वप्नवत संसार तेरे सामने घटित हो रही इसे सच मान के मूर्खता मत कर एवर मे हैपन लेट इट हैपन बिकॉज व्हाट एवर इज हैपनिंग इज अन थ्रू इज ए इट इज अ ड्रीम क्रिएटेड बाय माइक्रोकॉस्मिक माइंड माया त्यक्ता नित्य तृपन करोति स सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त वे कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है कुछ भी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं <laughs> ये श्लोक में भी आ गया <laughs> कुछ नहीं कुछ नहीं सब कर रहा है पर सब करने के पीछे दो चीजें संसार के आश्रित नहीं है और परमानंद में तृप्त है वही व्यक्ति अकर्ता, अभोक्ता हो सकता है वही व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकता है दो बातें जिसमें हो एक किसी पर डिपेंडेंट नहीं दो अपने आप में आनंद में जब हम अपने निजानंद में मग्न नहीं होते तभी हम दूसरों को ढूंढेंगे दूसरों का आश्रय चाहेंगे दूसरों का प्यार चाहेंगे और एक डायलॉग तुम सबके जुबान पर होता है जो कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारी जुबान से निकलता है मुझे कोई प्यार नहीं करता मैं सबसे प्यार करता हूं मुझे कोई प्यार नहीं करता किसी की ये मात्रा कम है और किसी के ये मात्रा ज्यादा है सम टाइम मे बी विट दिस डायलॉग शूट सब नो वन लवस मी बहुत ड्रामेबार्ज हो तुम लोग जितने सुखद पल तुम्हारे जीवन में आए वो सब भूल जाओगे जितने शुभ घड़ियां जीवन में आई वो सब भूल जाती जितने मित्र मिले वो भूल जाते कितने संत महात्मा सत्संग मिले ये भूल जाते कितने बार मस्ती में नाचे गाए भूल जाते कितने ब्याह शादी जन्म उत्सवों में नाचे हो खेले हो वो सब भूल जाएगा सिर्फ दुखी दुखी याद है दुखी दुखी याद दुखी, दुखी दुखी याद है दुखी दुखी याद है वो फिर कहता मुझे कोई प्यार नहीं करता कृष्ण कहते हैं ये डायलॉग जो बोल रहा है निश्चित वो ज्ञानी नहीं है जो ज्ञानवान है वो यह जानता है मैं किसी का नहीं कोई मेरा नहीं पहली बात दूसरा मैं अपने में ही आनंदित हूं द वन हुटिस्फाइड विद वन सेल्फ द वन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन सच अ पर्सन विल डू एवरीथिंग एंड येट हैज नॉट डन एनी त्यक्त्वा कर्म फला संगम कर्म के फल का त्याग करे कुछ भी करे मैं फिर कह रही हूं कुछ भी करे हिसाब किताब मत जोड़ा करो कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा आप किसी की सहायता करो मदद करो किसी से मीठा बोलो ख्याल करो और वो पलट के तुम्हें थैंक यू भी ना बोले और तुम जलो गलत हो गया तुम किसी के संग अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो करो पर बिना इस भावना के कि इसके बदले में वो इंसान तुम्हें थैंक यू कहे ख्याल करना डीप डाउन यू वांट अ थैंक यू फॉर द पर्सन एंड व्हेन दैट पर्सन विल नॉट थैंक यू फॉर ऑल गुडनेस एंड सर्विसेस विच यू विल ऑफर टू दैट पर्सन यू विल गेट एंग्री तुम किसी की सहायता करो आर्थिक मानसिक भावनात्मक पर करने से पहले ही यह श्लोक के पहले शब्द को याद कर लेना त्यक्त्वा कर्म फल संग कर्म का जो फल होगा मैं उसका त्याग करूं फिर कर्म करूं अब बताइए तुम्हें कौन दुखी कर सकता है तुम देखो तुम रोते रहते हो सब रिश्तेदारों के लिए मैंने इतना कुछ किया वो मेरे लिए कुछ नहीं करते मैंने पड़ोसियों के लिए क्या कुछ नहीं किया पड़ोसी मेरे लिए कुछ नहीं करते अच्छी बात है कुछ नहीं को पकड़ लो कुछ नहीं <laughs> कुछ नहीं कोई भी नहीं तेरा कोई भी नहीं गाएंगे इसको शाम को गाएंगे कंपोज कर देंगे हम इसको कर्म के फल की चाह किए बिना कर्म कर फिर तेरा कर्म करना एक खेल हो जाएगा यू विल प्ले विद इट दिस होल लाइफ विल बिकम अ गेम एंड अ गेम इज ओनली देन इफ देर इज नो वन लूजर एंड देर इज नो वन विक्टोरियस देन इट इज अ गेम जीवन के खेल को खेले बिना कर्मफल में आसक्त हुए बिना कामना बिना चाहना